नमस्कार भाइयों, नमस्कार बहनों, नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पवार आप लोगों के सामने फिर से अपने चैनल पे जिसका नाम है गढ़वाली भुला पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को आरू के बारे में बताऊंगा और बेडू के बारे में या फेडू के बारे में बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने पेड़ है जिसको कि हम आड़ू का पेड़ बोल रहे हैं, और ये आड़ू का पेड़ है, इस पर बहुत सारे आड़ू हो चुके हैं। और अभी ये सीज़न यानी अगले 15 दिन में ये पकने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी मीठे भी होते हैं ये। तो आइए एक आध आड़ू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो नज़दीक वाले हैं वही निकालेंगे, दूर जाने की पेड़ पे चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखते हैं कौन सा ठीक ठाक है, ऊपर से निकालते हैं, यहाँ पे छोटा है, ऊपर से निकाल देते हैं, वो भी छोटा है यार, तो ऊपर से निकाल देते हैं। ये देखिए, तो ये हमने दो आरू निकाले हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरे आरू का पेड़ है पूरा। देखो ऊपर इस पत्तों के बीच बीच में आपको आरू दिखेंगे, आपको ये झुंड में जैसे दिखते हैं ना छल्ले बने हुए, ये देखिए, इधर भी देखिए या इधर देख लीजिए या आप उधर देखिए, उधर वाले पे दिखाइए इनको ज़रा कि वो वाला उस पर इतने सारे आरू जो लगे हुए हैं उस वाली टहनी पे। तो इस तरीके से आरू का पेड़ होता है, इसके पत्ते कड़वे होते हैं थोड़ा, और पत्तों की कुछ दवाई भी होती है यहाँ पे। तो आइए इसको अब, क्योंकि इसको खाया कैसे जाता है, इस पर अभी थोड़े थोड़े से ऐसे हमें नज़र नहीं आते, लेकिन महीन से इस पर सफ़ेद सफ़ेद कर कलर के कुछ कांटे से होते हैं जो कि खुजली करते हैं हाथ पे। तो इसको खाने से पहले धोना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये क्या करेगा, आपकी जीभ में या मुंह में छाले भी क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम थोड़ा धो लेते हैं, ऐसे धोते हैं। तो इसके ये सारे जो इस पे कांटे होंगे छोटे छोटे से वो निकल जाएंगे, और कोई अगर कीड़ा बैठा होगा वो भी इसमें से हट जाएगा। तो ये ऐसे होते हैं, देखिए देखिए, ये अभी छोटे हैं, अभी ये इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं ये, और लेकिन ये मीठे अभी से मीठे होने शुरू हो गए हैं, थोड़ा मीठे और थोड़े खट्टे हैं। थोड़ी दिन बाद यानी 10 दिन के बाद ये पूरी तरीके से इसमें से खट्टापन निकल जाता है और ये मीठे होने शुरू हो जाते हैं। टेस्टी खाओ, बहुत बढ़िया, इसके अंदर बीज निकलता है, इस बीज को अगर दोबारा से लगा दिया जाए तो इससे भी आड़ू का पेड़ निकल आता है। इसको फेंक देते हैं। अब जो मैं आपको दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ फेडू, ये गढ़वाल में ज़्यादा फेडू ही होता है, इसके ऊपर गाना भी बना हुआ है, बेडू पाको बारहमासा, यानी ये 12 महीने पकता रहता है। जो आड़ू होता है उसका एक सीज़न होता है प्रॉपर, लेकिन जो पेडू होता है बेडू पाको बारहमासा इसलिए बोले जाते हैं, ये 12 महीने पकता रहता है। तो आइए निकालते हैं। तो ये पेड़ है, मैं पेड़ दिखा देता हूँ आपको पहले, तो आप देख पा रहे होंगे ये इसका पेड़ है बेडू का। ये देखिए, ये कच्चे जो होते हैं ये कच्चे ऐसे होते हैं ग्रीन, ठीक है, पकने के बाद ये ऐसे लाल हो जाते हैं ऐसे। तो हमने कुछ निकाले हुए हैं, यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, इस पे पके हुए हैं, आइए देखिए, ये जो खुले हुए दिख रहे हैं आपको ये पूरी तरीके से पके हुए हैं और इनको कीड़े खा चुके हैं। हम वैसे वाला निकालते हैं जो कि पका हुआ है और जिसे कि हम खा सकते हैं। तो एक निकाला है हमने, देखिए
ये निकाल दिया। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि कोई कीड़ा तो नहीं है, देख लेते हैं, क्योंकि ये बरसात के मौसम में इनके अंदर कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं है और इसको हम आसानी से फिर खा सकते हैं। हाँ, ये भी बड़ा टेस्टी है। तो हमने, आपने देखा कि आज हमने आपको दिखाया आरू और बेडू। इसके अलावा आप जो नीचे देख पा रहे हैं ये सारे, ये कद्दू की बेल है, देखिए कद्दू की बेल है ये। और हमारे यहाँ पे जो कद्दू होते हैं वो इतने बड़े बड़े कद्दू लगते हैं, इतने बड़े बड़े, आप जानकर हैरान हो गए। तो जब कद्दू लगेंगे या पकेंगे हम आपको उसकी फ़ोटो या वीडियो ज़रूर बना के भेजेंगे। इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं यहाँ पे, इतने लौकी या घिया जिसे कहते हैं हम, वो इतने बड़े बड़े होते हैं। ये खीरे भी इतने बड़े बड़े होते हैं। तो जिनको हम ककड़ी कहते हैं यहाँ, तो ये दिखाया हमने आपको आज, बेडू हो गया, आरू हो गया, ये कद्दू जिसको अम्याट बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में, और ये सारी, ये इधर जो आप देख पा रहे हैं ये है खीरा, इसको काकड़ी बोलते हैं, जिसपे कि इतने बड़े बड़े खीरे लगते हैं और काकड़ी लगते हैं जिसे कहते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।